ये देखिए मैंने यहाँ पर 14 फंदे लिए हैं, 12 फंदे 4 के मल्टीपल से लिए हैं, 3 बार चार चार फंदे लिए हैं, तो 12 फंदे, 2 फंदे एस स्टिच के लिए, तो 14 फंदे नीचे से बेस देने के लिए दो रो उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली हैं। तो आपने जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को डालना है तो आप चार चार के मल्टीपल से फंदे लेंगे प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपका ये डिज़ाइन अच्छे सेट हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। पहली रो है, सीधी साइड है, तो स्टार्टिंग से इस पैटर्न को स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो देखिए, एक दो, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बुनेंगे, 2 फंदों के बाद यहाँ से नीडल निकालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बुनेंगे, इस तरह से थोड़ा सा लूज ही रखेंगे। अब एक एक्स्ट्रा फंदा और साथ में एक पहला फंदा, दोनों को ट्विस्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट इस तरफ को। तो देखिए, इसको यहाँ पर रखेंगे, पहला फंदा ये वाला आगे लेकर आएंगे और एक्स्ट्रा फंदा पीछे लेकर जाएंगे, इस तरह से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। ये देखिए, हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बुने, फिर एक्स्ट्रा फंदा बुना, 2 फंदों को ट्विस्ट किया और उसके बाद 2 फंदों का एक फंदा बुना। तो ये हमारा 4 फंदों का पैटर्न है, 2 4। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। तो देखिए, फिर से धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, 2 फंदों के बाद नीडल निकालेंगे, यहाँ से एक एक्स्ट्रा फंदा सीधा बुनते हुए इस तरह से लेकर आएंगे। अब एक्स्ट्रा फंदा और एक सीधा फंदा दोनों को ट्विस्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट, पीछे का फंदा आगे लाएंगे और आगे वाला फंदा बैक लूप से पीछे लेकर जाएंगे। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। फिर से एक बार धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, एक्स्ट्रा फंदा बुनेंगे, 2 फंदों के बाद यहाँ से नीडल निकालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बुन लेंगे इस तरह से। अब पहले 2 फंदे राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, पीछे का फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला एक्स्ट्रा फंदा पीछे लेकर जाएंगे ऐसे। अब पहला फंदा सीधा बुनेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक हमारे 2 पैटर्न कंप्लीट, सॉरी 3 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, उल्टे बुन लेंगे, एक दो। पहली रॉ कंप्लीट हो गई है। दूसरी रॉ रॉन्ग साइड, सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे, एक दो, 2 फंदे उल्टे, एक दो। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 फंदे सीधे बुने, 2 उल्टे। फिर से पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे, एक दो, 2 फंदे उल्टे, एक दो, फिर से 2 फंदे सीधे, एक दो, 2 फंदे उल्टे, एक दो। लास्ट में 2 फंदे हैं, सीधे बुन लेंगे, एक दो। दूसरी रॉ कंप्लीट हो गई है। तीसरी रॉ सीधी साइड। अब देखिए, स्टार्टिंग में ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे लेफ्ट टू राइट इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, दूसरा फंदा फ्रंट लूप से आगे लाएंगे और पहला फंदा बैक लूप से पीछे लेकर जाएंगे, दोनों फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो, 2 फंदे राइट टू लेफ्ट इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से दूसरा फंदा आगे लाएंगे और पहला फंदा फ्रंट लूप से पीछे लेकर जाएंगे, दोनों फंदे सीधे, एक दो। ऐसे छोड़कर यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे राइट टू लेफ्ट इसके और सीधे बुने, 2 फंदे सॉरी 2 फंदे लेफ्ट टू राइट इसके और सीधे बुने, 2 फंदे राइट टू लेफ्ट इसके और सीधे बुने। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे। देखिए, फिर से 2 फंदे लेफ्ट टू राइट इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, दूसरा फंदा
फ्रंट लूप से आगे लाएंगे, पहला फंदा बैक लूप से पीछे लेकर जाएंगे, दोनों फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो, दो फंदे राइट टू लेफ्ट इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, दूसरा फंदा बैक लूप से आगे लाएंगे, पहला फंदा फ्रंट लूप से पीछे लेकर जाएंगे, दोनों फंदे सीधे, एक दो, फिर से दो फंदे लेफ्ट टू राइट इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे और सीधा बुनेंगे, एक दो, दो फंदे राइट टू लेफ्ट इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे और सीधा बुन लेंगे, एक दो। स्टिच छोड़कर यहाँ तक तीन पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट में स्टिच सीधा बुन लेंगे। तो देखिए तीसरी रॉ कंप्लीट हो गई है, चौथी रॉ रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए चौथी रॉ कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से इस तरह से दिखता है। तो ऐसे ही बार बार हम इसकी 1 2 4 रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, इसे आप लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, मफरल में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे पैटर्न्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही और नए नए से पैटर्न लेकर। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।